हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक यूट्यूब चैनल। मैं आप लोग को आज मोटिफिकेशन के आज बारे में बताऊंगा। जैसे कि मेरे पास बाइक है रॉयल एनफील्ड, वो भी 350 cc का, तो ये सभी भाइयों के लिए बहुत उपयोग वाला चीज़ है। और मैं जो पार्ट्स लाया हूँ इस बाइक में मॉडिफिकेशन करूँगा, कैसा मॉडिफिकेशन है जो किसी भी बाइक में आप लगा सकते हैं। जैसे कि BS6 इस समय जो आ रही है, उससे पहले का जो BS4 है और या BS3 है उसमें आप लगा सकते हैं, बहुत ज़रूरी वाला चीज़ है। तो मेरे पास ऑनलाइन एक प्रोडक्ट है और ये है वाइब्रेशन डिटेक्शन रॉड। जो हैंडल जो होता है हम लोग का बाइक का, यहाँ पर मैं एक बार दिखाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि जो हम लोग का हैंडल होता है, या BS4 में आप लोग जानते होंगे कि जैसे बाइक चलाते समय आपका हैंडल बहुत कंपन करती है, या BS3 हो, BS6 जो अब जो आ गई है बाइक, उसमें वाइब्रेशन नहीं होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे सेंसर लगा चुकी है कंपनी। तो मेरे पास रॉयल इनफील्ड जो है BS4 मॉडल है, और जिसके पास में BS3 भी होगा उसके लिए भी बहुत उपयोग वाला चीज़ है। तो मैं बाइक के मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ। जो मेरे पास जो प्रोडक्ट है ये डिटेक्शन रॉड है, इसको वाइब्रेशन बोल सकते हैं, वाइब्रेशन डिटेक्शन रॉड या CNC वाइब्रेशन रॉड बोल सकते हैं। तो मैं इसको ऑनलाइन मंगा चुका हूँ। ये लगभग 800 से 1200 रुपये की इसका कीमत है मार्केट में, ऑनलाइन ही मिलता है, जल्दी मिलता नहीं है। तो मैं इसको थोड़ा अनबॉक्सिंग करता हूँ, चलते हैं थोड़ा सा सामने, इसको दिखाया जाए। इसको मैं पहले से खोल रखा हूँ, ये जो डब्बा है, डब्बा में इसको थर्माकोल लगा है, थर्माकोल में 2 ठो इसमें स्पाइनर दिया गया है रिंच, और ये है प्रोडक्ट। और इसको हम कहाँ लगाएंगे मैं इसको दिखाने का कोशिश करूँगा। जैसे कि हम लोग का ये हैंडल होता है, हैंडल में यहाँ पे लगेगा। जो ये मटेरियल है टोटल एल्युमिनियम है, और एल्युमिनियम में प्योर एल्युमिनियम है। इसका वजन बहुत ज़्यादा है, लगभग 300 से 350 ग्राम का है। तो ये जो है मल्टीपर्पज़ के लिए डिटेक्शन रॉड है, इसमें बहुत सिंपल भी आता है। तो मैंने मल्टीपर्पज़ के लिए ये मल्टी वाला मंगा लिया हूँ, और ये इसका कीमत लगभग मार्केट में 1250 रुपये का है। तो मैं इसको अपने बाइक में इंस्टॉल करूँगा। कैसे इंस्टॉल करते हैं, बहुत ईजी इंस्टॉल होता है ये जो मल्टीपर्पज़ के लिए जो है। मैं एक बार नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पर 2 ठो इसका क्लिप है, और जो बीच में जो जंक्शन दिया है यहाँ पर आप एक्शन कैमरा लगा सकते हैं, जो माउंट दिया है, या DSLR लगा सकते हैं, या मोबाइल लगा सकते हैं माउंट के माध्यम से। तो मैं इसको इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, कैसे करते हैं इसको थोड़ा देख लिया जाए। सबसे पहले मैंने दोनों साइड का ये क्लैंप को खोलना पड़ेगा, मैं खोल लेता हूँ, थोड़ा सा नज़दीक से दिखाया जाए इसको। ये दोनों तरफ का जो क्लैंप है इसको मैं खोलूँगा, और कैसे खोला जाता है कुछ नहीं करना, बस इसमें बोल्ट लगा रहता है। ये है, मेरे हाथ में खुल गया, और ये बोल्ट है। और दूसरी साइड का भी मैं खोल लेता हूँ। ये राइट साइड का है, ये भी मैं खोल लिया, इसको मैं यहाँ पे अलग रख लेता हूँ। और ये वाला है लेफ्ट साइड का, इसको भी मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। और कैसे काम करेगा मैं एक बार नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे ऐसा है, और ये राइट साइड का, लेफ्ट साइड का साइज एक ही है, बस इसमें 2 ठो बोल्ट लगेगा। और ये जो बीच वाला है ये बैलेंसर है बीच में, और ऊपर ये माउंट दे रखा है, इसमें बहुत सारा जंक्शन दिया है, इसमें DSLR लगाने के लिए, या एक्शन कैमरा के लिए, या माउंट लगाकर अपना मोबाइल लगा सकते हैं, या GPS के लिए बहुत आपका काम कर जाएगा ये। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो लेफ्ट साइड वाला है इसमें ऐसे दिया रहता है, इसको ऐसे निकालना पड़ता है, और फिर ऐसे ये लॉक हो जाता है। तो कुछ नहीं करना, इसमें चलते हैं, हम लोग लगाएंगे। इसको हम यहाँ पे लगाएंगे, आप लोग ध्यान से देखें, कुछ नहीं करना है, इसमें फिटिंग कर ले। इसको जो है क्लैंप को मैं लगा लिया, क्लैंप पे अब चलता हूँ। ये जो है माउंट है, हम अपना लगाते हैं कैसे लगता है। और यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस इसमें डालना है, डालने के बाद में, और थोड़ा सा किसी से आप पकड़ा सकते हैं, तो इसमें डालने के बाद ये बोल्ट डालें, और थोड़ा सा इसमें डालने के बाद में जो है रिंच है, इससे आप कस सकते हैं। पहले ढीला ही रखें, क्योंकि दूसरे साइड भी लगाना है, जो हम लोग का ये दूसरा साइड है, यहाँ पे भी लगाएंगे।
अभी ये लग चुका है, अभी पूरा फुल टाइट नहीं किया हूँ। और इसको क्या करना है, पहले ढीला लगाने के बाद में, और उसको आप जैसे चाहे अपना जहाँ से सेंटर आप मिला के लगा सकते हैं, जहाँ आपका उपयोग हो सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लगा के छोड़ दिया हूँ, और लगाने के बाद में इसको सेंटर मिला दूँगा। और यहाँ पे जो है टोटल जितनी सारी माउंट आते हैं कि DSLR का, एक्शन कैमरा का या मोबाइल का, उसको हम लगाएंगे। लगाने के बाद में उसको बाद में हम इसका वीडियो बनाएंगे। पहले मैं डिटेक्शन रॉड का मैं चेक करके दिखाऊंगा स्टार्ट करके बाइक को, कि मेरी बाइक के हैंडल कंपन कर रहा है कि नहीं। चलते हैं आगे अब। हाँ दोस्तों, मैं रिंच के माध्यम से थोड़ा इसको टाइट कर लिया हूँ, और चलता हूँ फिर भी थोड़ा सा और टाइट कर लेता हूँ। इसको पूरा बीचों बीच करना है, सेंटर पर मिला के रखना है, क्योंकि आपको यहाँ पे कैमरा बराबर लगाना है, और जो भी माउंट है सारी बीचों बीच लगेगा। और ऐसा लगाना है आपको कि हैंडल जो है आपका वाइब्रेट ना करे, तो ये यहाँ पे बीचों बीच है। और यहाँ पे जो दो क्लैंप है, क्लैंप पे दो ठो बोल्ट लगा है, इसको मैं टाइट कर लेता हूँ। ये वाला टाइट हो गया है, ये भी टाइट हो गया, और जो मेरी बाइक है अब वो स्टार्ट होने के लिए तैयार हो चुकी है, और इसको मैं हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। तो पहले आप लोग को मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि वाइब्रेट कर रही है कि नहीं है। ये मेरे पास चाबी, चाबी को मैं ऑन कर लेता हूँ, और ये बाइक मेरी ऑन हो चुकी है, और इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। बैठने के बाद पता चलेगा, यहाँ वाइब्रेट नहीं कर रहा है, जो हैंडल का वाइब्रेशन था ये अभी कुछ नहीं कर रहा है। चलाने के बाद में मैं पास देख लेता हूँ, ये जो बाइक है अब ये कंपन नहीं कर रही है, और बहुत अच्छा है, मोमेंट कर रहा है। तो पहले से बहुत परेशान था बाइक चलाते समय, ड्राइव करते समय जो मेरी बाइक थी बहुत ज़्यादा कंपन कर रही थी, बहुत हाथ में दर्द आ रहा था। तो मैं इसको लगा के बहुत ही संतुष्ट हूँ। आप लोग भी मेरे वीडियो में इसी तरह देखते रहें, और ये जो माउंट है, जो ये डिटेक्शन राड है, आप लोग भी मंगाएं, और एनी बाइक में भी लगा सकते हैं। आप लोग भी लगाएं मेरे वीडियो में, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।